नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का गोवर्धन पर्व पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिव प्रिया सिंह। हमारे सनातन धर्म की आप खूबसूरती देखिए, ये जो व्रत है, त्योहार है, इनमें जब हम प्रभु का गुणगान करते हैं, उनकी हम आराधना करते हैं, तो उनके साथ साथ हम उस पर्वत को भी पूजते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं जिसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से उठा लिया था और तमाम गांव वालों की उन्होंने रक्षा की थी। तो गोवर्धन पूजा का इतना विशेष महत्व क्यों है? ये दिन हम जनमानस के लिए इतना विशेष खास क्यों बन जाता है? क्या है पूजा का विधान, क्या है पूजा का विशेष मुहूर्त जिसमें पूजा करने से आप पर बरसेगी भगवान कृष्ण और गोवर्धन महाराज की विशेष कृपा? आइए, पूरी जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आचार्य जी कि इसका, ये जो त्यौहार है, इसका क्या मतलब है? क्या इस त्यौहार को मनाने के पीछे का असली कारण क्या है? जी देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा बहुत अच्छा है और मैं आज आपको बताऊँगा कि गोवर्धन को हम क्यों मनाते हैं। क्योंकि जब कहते हैं ना, किसी कार्य के कारण किसी को घमंड आ जाता है, अहम आ जाता है, उस अहम को कैसे तोड़ा जा सकता है? अब जब किसी को घमंड हो गया, उसी समय एक बार ऐसा हुआ कि इंद्र भगवान को गर्व हो गया, भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ और बाबा नंद के यहाँ पर भगवान कृष्ण बाल रूप में क्रियाएं कर रहे थे, अपनी लीलाएं कर रहे थे। उसी समय इंद्र को गर्व हो गया कि मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, मेरी ही पूजा होती है ब्रज में और कोई किसी को पूजता नहीं है। मन में ऐसा घमंड जब आया तो भगवान कृष्ण ने घमंड को तोड़ने के लिए एक दिन जब सभी ब्रजवासी और गोवर्धन की पूजा ना करते थे, उस समय इंद्र की पूजा होती थी, तो इंद्र की पूजा के लिए बड़े बड़े पकवान बनाए जा रहे थे। नंद भवन में भी पूजा की बहुत सारी तैयारियां चल रही थी, अनेक प्रकार से धूप दीप नैवेद्य फल मिष्ठान आदि का भोग चल रहा था। उस समय भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास आ गए, कहने लगे, बाबा आप ये सब क्या करते हो और इसको करने से क्या फल होता है? नंद बाबा ने कहा, लाला तू चुप रह बेटा, इंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसी के कारण बरसात हो गए हैं और इसी के कारण जब बरसात हो गए हैं तो हमारी गैया चारों चरें, अन्न धन की पैदा हो, अगर बरसात नहीं होगी, इंद्र नाराज हो जाएगो तो आगे चल के कैसे काम चलेगो। अब भगवान कृष्ण ने बाबा नंद से कहा, महाराज बाबा एक बात बताओ, आपने इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, कभी आपको इंद्र ने दर्शन दिए? क्या कभी आपका भोग उन्होंने सशरीर आके प्राप्त किया? तो बाबा ने कहा, नहीं लाला, ऐसा तो कभी आया ही नहीं, ना कभी उन्होंने भोग प्राप्त किया ना दर्शन दिए। तो कृष्ण भगवान ने इंद्र का गर्व तोड़ने के लिए, इंद्र का घमंड चूर चूर करने के लिए कहा कि जो है ही नहीं उसकी पूजा क्यों करें? अगर इंद्र होता तो आप उसके दर्शन करते या आपका प्रसाद पाने वो आता, भोग लगाने वो आता, लेकिन जब है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? बाबा इंद्र की पूजा को बंद करो और आप हमारे गोवर्धन को पूजना स्टार्ट करो, क्योंकि जो गिरिराज जी हैं, गोवर्धन है, वो उस पर हमारी गाय चराई जाती हैं, तलैटी में हमारा अन्न पैदा होता है, अगर गोवर्धन पर्वत नहीं होगा तो हमारा ब्रज तो भूखा मर जाएगा। अब तो नंद बाबा को बड़ा बुरा लगा, कहने लगे, बेटा ऐसे नहीं बोलते, अगर लाला ऐसे बोलेंगे ना तो इंद्र नाराज हो जाएगा, इतनी बरसात करेगा, आंधी तूफान और कई प्रकार की समस्याएं देगा। भगवान ने कहा, जब जो है ही नहीं उसकी पूजा क्यों करनी, आप हमारे गोवर्धन की पूजा करो। तो नंद बाबा ने कृष्ण भगवान से कहा, लाला तुम्हारे गोवर्धन की पूजा तो हम कर देंगे, लेकिन हमारी तीन शर्त हैं, अगर तीनों शर्त आप मानते हैं तो गोवर्धन की पूजा कर लेंगे। बोले, बोलिए बाबा। बोले, पहली शर्त तो ये है कि अगर हमारे ऊपर इंद्र प्रकोप करता है, कोप करता है, तो उस कोप के कारण हमें जो क्षति होगी, उस कोप से आप हमें बचाएंगे, आपका गोवर्धन हमें बचाएगा। और दूसरी शर्त ये है लाला कि जिस प्रकार इंद्र का हम भोग लगाते हैं, ऐसे हम तेरे गोवर्धन का भोग नहीं लगाएंगे। अगर तेरा गोवर्धन गिरिराज जी महाराज खुद सशरीर आकर के हमारा भोग प्राप्त करेगा तो हम आप उसकी पूजा करेंगे। और तीसरी शर्त यह है लाला
कि आज के बाद ब्रज में कभी भी कोई ऐसी घटना घटित नहीं हो कि जैसे इंद्र प्रकोप से बार बार जो घटनाएं घटेंगी उनसे हमारी रक्षा करेगा, तो हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। अब लाला कन्हैया कहने लगे, बाबा तीनों शर्त मंजूर है। अब तो नंद बाबा ने कहा, बेटा हमने तो कभी पूजा ही नहीं की गोवर्धन की, पूजा कैसे होती है ये तो बताओ। तो बोले 56 प्रकार का भोग मेरे गोविंद को प्रिय है, गिरिराज जी को 56 प्रकार का भोग बनवाइए और भोग लगवाइए, इससे आपका सभी कष्ट दूर होगा और हमारे गिरिराज जी सशरीर आकर आपका भोग प्राप्त करेंगे। अब जब कृष्ण भगवान की बात सुन करके ब्रज में खबर कर दी, नंद बाबा वहां के राजा थे तो उन्होंने खबर कर दी कि जाओ आज से गोवर्धन की पूजा होगी। अब तो गोवर्धन की पूजा होने का जैसे ही समाचार हुआ तो किसी ने खीर सा खीर मोन खुरमी बर्फी पेड़ा वालूसाई बर्फी इस प्रकार के 56 प्रकार के भोजन बनाए और 56 प्रकार के भोगों को थाली में सजाया। गर्गाचार्य जी महाराज वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सभी व्रजवासियों को वृंदावन से लेकर के और गोवर्धन में ले आए। अब गोवर्धन में जब लाए तो स्नान कराने लगे। अब गोवर्धन से यमुना जी थोड़ी दूर हैं, अब ब्रजवासी थोड़ा सा जल लेके आए स्नान कराएं फिर लेके आए, इतने में वो सूख जाए। तो भगवान से ब्रजवासी कहने लगे, लाला सुन हमारे बस की ना है तेरे गोवर्धन है नवाबो भैया, क्योंकि इतना विशाल है, अगर तुझे गोवर्धन को स्नान ही करवाना है तो यमुना जी को यहां ले आना। तो मेरे कन्हैया ने कहा कि आप सभी ब्रजवासी आंखें बंद करो, और सभी ब्रजवासियों ने आंखें बंद की। उस समय भगवान ने वहां पर मानसी गंगा को प्रकट किया, मन से गंगा को प्रकट किया, और आज उसी का नाम मानसी गंगा है जो गोवर्धन की परिक्रमा जहां से प्रारंभ होती है दान घाटी से प्रारंभ होती है तो दान घाटी पर ही संपन्न होगी, और वहां बीच में मानसी गंगा दान घाटी से थोड़ा सा पहले आएगी, उस मानसी गंगा पर लोग स्नान करते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। मानसी गंगा पर आप परिक्रमा देके जैसे गोवर्धन की आते हैं, कितने भी परेशान हैं कितने भी पैरों में परेशानी है, लेकिन जब मानसी गंगा में मन से स्नान कर लीजिए पूरी थकान आपकी उतर जाती है। तब से गोवर्धन को पूजने लगे हैं। जब इंद्र ने प्रकोप किया बरसात की तो मेरे गोविंद ने, देखो उस समय जब गोवर्धन उठाया था कन्हैया की उम्र 7 वर्ष की थी, और मेरे 7 वर्ष के गोविंद ने 7 कोस का गोवर्धन 7 दिन तक अपनी कन्नी उंगली पर उठा के रखा, और सभी ब्रजवासी उसके नीचे आ गए। अब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी लगाई, कहने लगे लाला तेरी उंगली को हटा ले, भैया मेरी लाठी लगी हुई है। बोले ऐसे नहीं, जैसे ही कन्हैया ने उंगली हटाई उनकी लाठियां टूट गई, सभी कहने लगे लाला रोक रोक रोक। फिर कन्हैया ने उंगली पर धारण कर लिया तो हमारे एक श्रीमुख नाम के, श्रीदामा नाम के उनके एक सुंदर और बहुत अच्छे मित्र हैं, वो कहने लगे लाला इतना बल तेरे में कहां से आयो। तो कन्हैया जी कहने लगे, कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपियन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा सो मैंने लियो गोवर्धन उठाए। मेरे गोविंद ने जैसे ही कहा और उसी दिन से सभी ब्रजवासी गोवर्धन को पूजने लगे, और उसी दिन से हम लोग आप लोग सब लोग गोवर्धन का व्रत गोवर्धन का पूजन नियम से करते हैं, और इसी उपलक्ष में गोवर्धन को मनाया जाता है। जी आचार्य जी, ये तो हो गई बात कि गोवर्धन की पूजा क्यों की जाती है, इस दिन का महत्व क्या है। अब मैं चाहती हूँ कि आप हमें इसके मुहूर्त के बारे में बताइए कि किस मुहूर्त में पूजा करना फलदायी साबित होगा। जी देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी पूजा को पाठ अनुष्ठान यज्ञ करते हैं तो उसमें मुहूर्त का सबसे बड़ा महत्व है। मुहूर्त का अर्थ है शुभ समय और शुद्ध समय। शुभ और शुद्ध दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन जहाँ दोनों मिल जाते हैं वो एक मुहूर्त हो जाता है। इसी प्रकार दिन में अगर आप गोवर्धन की पूजा करते हैं तो अभिजित मुहूर्त 11:49 से 12:33 तक। अगर आप रात्रि को, जैसे गांव में ब्रज में हर जगह रात्रि को पूजन होता है, तो इस समय
14 तारीख को गोवर्धन मनाया जा रहा है, 14 नवंबर को गोवर्धन मनाया जाएगा और 14 नवंबर में रात्रि के 7:19 से लेके 8:57 तक आपका गोवर्धन पूजा का महत्व है। और विशेष शुभ मुहूर्त है, इस मुहूर्त में अगर आप गिरवर दास जी को पूजेंगे, गोवर्धन महाराज को पूजेंगे, कन्हैया जी को की पूजा करेंगे, तो उससे निश्चित रूप से आपके घर में तीन चीज़ों की वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, शत्रुओं का नाश होगा और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आपका मित्रवत व्यवहार इतना बढ़ेगा कि मान प्रतिष्ठा सम्मान आपका निश्चित रूप से बढ़ेगा। जी आचार्य जी, अब ये बात हो गई मुहूर्त की, अब मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसकी विधि क्या है, किस तरीके से ये पूजा हम संपन्न करें, क्या क्या सामान इसमें सामग्री जो लगती है और किस तरीके से हम इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। जी देखिए, बहुत बड़ा अच्छा और श्रेष्ठ प्रश्न है कि गोवर्धन की पूजा हम किस सामग्री से और कैसे करें। हमारे ब्रज में तो कहावत है कि 56 प्रकार के भोग ही गोवर्धन को लगने चाहिए, लेकिन गोवर्धन के लिए आप सबसे पहले दूध, कच्चा दूध जिसमें पानी ना मिला हो, गर्म ना हो, कच्चा दूध हो, कच्चा दूध का आप उनके सामने एक पात्र में रखें। गाय का दूध हो तो अति उत्तम है, गाय का दूध उनके पात्र में रखें। उसके बाद आप दाल बाटी चूरमा, ये हमारे गोवर्धन जी को बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय भोजन है उनका दाल बाटी चूरमा। गोवर्धन को जब भी भोग लगाते हैं दाल बाटी चूरमा का भोग लगाते हैं। 56 प्रकार के भोग एक साइड में और दाल बाटी चूरमा एक साइड में, इतना प्रेम करते हैं गोवर्धन महाराज। तो आप चूरमा बना सकते हैं, अगर चूरमा नहीं बना सकते तो भागवत जी में लिखा है खीर सा, खीरमोन, खुरमी, बालूसाई, रबड़ी, पूड़ी, कचौड़ी, जो आपकी सामर्थ्य हो, जो आप बना सकते हैं, उन सब वस्तुओं को बना करके भाव से, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भगवान तो कहते हैं कि भक्त मेरे पग धरे वहां पे धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ू साथ। भगवान ने तो यहां तक कहा है कि मेरी तरफ एक कदम चल, मैं तेरी तरफ 1000 कदम चल के आता हूं। तो उसी प्रकार जो हम भोग लगाते हैं तो हमारे मन में, हमारे घर में जो धन धान्य है, जैसा भी है, गरीब है, अमीर है, कैसे भी है, जितना जिसकी सामर्थ्य है उस हिसाब से मीठा भोजन मेरे गोविंद को और गोवर्धन महाराज को प्रिय है। दूध और मीठा भोजन अवश्य होना चाहिए और घी की जोत लगानी चाहिए। घी की जोत लगा करके ग्वाल वालों की छोटी छोटी प्रतिमा उनके पास में बनाकर, छोटी छोटी गाय की प्रतिमा उनके पास में बनाकर, गाय के गोबर से या किसी भैंस का भी गोबर आप ले सकते हैं, लेकिन शुद्ध गाय के गोबर से गोबर का गोवर्धन ही बनाए। आजकल परात में चीनी का, चावल का बना देते हैं, लेकिन शुद्ध गाय के गोबर से बना करके ही हल्दी के द्वारा वस्त्र पहनाने, रंगोली के द्वारा वस्त्र पहनाने, और जिस जगह आप गोवर्धन बना रहे हैं उस जगह को लीप करके पवित्र कर लें, इस अवस्था में अगर आप पूजा करेंगे तो आपको बेहद लाभ मिलेगा। और गोवर्धन वाले दिन रात्रि को किसी कुआरे व्यक्ति को आप दूध पिला देते हैं तो आपकी मनोवांछित जो भी इच्छा है वो अतिशीघ्र पूरी होती है। आचार्य जी, एक जिज्ञासा है मेरे मन में कि जब हम गोवर्धन पूजा करते हैं तो हम गोबर से जो प्रतिमा बनाते हैं उसकी दिशा किस प्रकार से होनी चाहिए, किस दिशा में हम उस प्रतिमा को बनाएं और किस तरीके से उसे बनाना चाहिए। देखिए, जैसे हम गोवर्धन की प्रतिमा बना रहे हैं उस समय हमें विशेष रूप से देखना चाहिए कि हमारे से गोवर्धन जो हम पूज रहे हैं वो कैसे पूजें, अर्थात प्रतिमा बनाते समय गोवर्धन की जो सर है वो हमारा दक्षिण दिशा में होना चाहिए, पैर उत्तर दिशा में होने चाहिए। इस तरह से अगर आप गोवर्धन बनाते हैं तो दक्षिण और उत्तर, जैसे हम लोग शयन भी करते हैं तो कभी भी दक्षिण दिशा में पैर नहीं करते, सर ही करना चाहिए, तो सर हमारा दक्षिण दिशा में शुभ होता है। तो दक्षिण दिशा की तरफ सर करें, उत्तर दिशा की तरफ पैर करें, इस प्रकार प्रतिमा को बनाएं और उसका विधि विधान से पूजन करें।
जी आचार्य जी, आपने गोवर्धन पूजा पर इतनी गहरी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है, इसका इतना महत्व हमारे हिंदुस्तान में क्यों है। आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी से हमने इसके बारे में विस्तार में जाना। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।